था फिर आप उसको जिंदगी अदा कर दीजिए, जिंदगी के बाद फिर मौत आता, मौत के बाद फिर जिंदगी, और तो कुरान एक शर्त देती है जो मौत आती है कि मौत हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। और वैसे भी इस मौत वाले कलिमात को भी पढ़े थे, मैं कुछ तो नफ से जायका तुल मौत के साथ जायके का लफ्ज, और मैं हर नफ्स को मौत का जायका, जायका क्या है, आप तो चीज खाते हैं चार नफ्सों के लिए जायका रहता है, पानी पीते हैं जायका रहता है, तो मौत को एक जायका बनकर पारित होती है। मौत की हकीकत से बढ़ के और कुछ नहीं, बस वो समझे मौत एक दरवाजा है, जिस दरवाजे से गुजरता इंसान अपनी जिंदगी के एक मरहले से दूसरे मरहले अगर जिंदा रहा। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर एक आम काफिर हिंदू सिख और गैर मुस्लिम नहीं मरता तो सोचो मोमिन की जिंदगी का आलम क्या होगा, और अगर तो फिर सोचे मरियम की जिंदगी का आलम क्या होगा, और अगर औलिया जिंदा है तो फिर अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा, और अगर अंबिया जिंदा है तो फिर जश्न तसव्वुर में लाए सरदार अंबिया की अपनी जिंदगी का आलम, नारे तकबीर अल्लाह हमारे आज भी अपने कपड़े के अंदर आपने जिस असली के साथ इस शान के साथ जीता और लगा के कि मेरे आका आज भी वहां रहकर पूरी कायनात का मुशाहदा कर रहे हैं, और सिर्फ मुशाहदा ही नहीं करते बल्कि मेरे आका वहां रहकर भी जब चाहते हैं जिस पर चाहते हैं जितना चाहते हैं जिस हाथ में चाहते हैं आका कर्म फरमा रहे हैं। कभी सुनता है दीन को पढ़े, आपको एक ईमान अफरोज बात बताता हूं ताकि ये तसव्वुर आपका क्लियर हो, ये नादानी है बदबख्ती है जो कहे कि मुआज़ अल्लाह आका इस दुनिया से चले गए, इससे बड़ी बदबख्ती होगी। सूरह दीन में बारी तारा ने कई कसम खा दिया, फरमाया वतनी वज़ैद वतूरी सीनी वहाज़ा बलद अमीन, ये चार कसमें थी। फिर फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, बेशक हमने इंसान को आसने तकमीन पर सुमरदना असफल साफरीन, और कई ऐसे हैं जिनकी बदअमालियों के बायस फिर हमने असफल साफरीन में जाने, मगर हर कोई असफल साफरीन में जाने वाला नहीं। फरमाया इन्नल लजीना आमनू व आमिनुस सालिहात, मगर वो जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए, पहले मैंने बताई थी हर किसी की बात, अब अमाल सालिहा वालों की जिंदगी पर दरीब सुनने को रहा, उनके लिए हमारी बारगाह से ऐसा जो अजर कभी खत्म होने वाला है, जो अजर कभी खत्म, मेरी बात पहले पढ़ रही है बात समझ आ रही है, तो हम ऐसा अजर देंगे किनको जो ईमान ले आए और नेक अमल करता, तो मैं ऐसा आज देंगे जो अजर कभी खत्म नहीं होगा। ठंडे दिल से मुझे सोच के बताएं एक बंदे को ऐसा अजर मिल जाए जो अजर कभी खत्म होने वाला है ही नहीं, तो अजर को ऐसा मिले जो कभी खत्म ना हो, तो क्या जिसको वो अजर मिलेगा वो बंदा खुद खत्म, अल्लाह जी अच्छा बंदा को खत्म हो जाए और अजर उसका बाकी, तो उसको ऐसा आज देंगे करना क्या है। अरे अगर उसे मिलने वाला अजर नहीं होगा तो इसका माना है इस बंदे को वो अजर मिलेगा वो बंदा भी कभी खत्म नहीं होगा, वो बंदा भी हमेशा हमेशा के लिए अमर, और ये किस को अजर मिलेगा आपकी बात गौर करते हैं, दो ही खूबियां हैं फरमाया वो साफी ईमान और आमाल सालिहा उसका वतीरा और शिया, ईमान और आमाल सालिहा, और एक एक जुमले में अगली बात सोचिए कुरान और हदीस का नजोर पूरा दे रहा हूं, फिर अलग पूरा खिता ईमान नाम ही करने वाले आला की मोहब्बत और इश्क,
बस जो कुछ हमारे आका ने किया वो नेकी बन गई, जिसको रद्द फरमा दिया वो गुनाह हो गया। ईमान उस नबी की मोहब्बत का नाम है, अमाल सालिहा उस नबी की सीरत पर अमल करने का नाम है। कुरान इस बात का इनकार कर रहा है कि जो शख्स उस नबी की जात से मोहब्बत करने वाला है, उस नबी की सीरत पर अमल करने वाला है, वो कभी नहीं बनता। अरे किस नबी से मोहब्बत करने वाला नबी ना बनेंगे? सोचो उस नबी की अपनी जिंदगी का आनंद।